हम अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। जब मैंने आपको कहा था कि अब हम टॉपिक्स के उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मैकेनिस्टिक एंड एम्पिरिकल मॉडल्स। और इसके बाद इसी मॉडल के एंड में हम देखेंगे कि एम्पिरिकल मॉडल्स को हम रिग्रेशन की तरफ कैसे बढ़ाते हैं। मॉडल क्या चीज़ होती है जी? बेसिकली मॉडल रियलिटी को आसान बना के, रियलिटी को आसान बना के पेश किया जाता है ताकि लोगों को समझ आ जाए। यानी किसी एक चीज़ पे अगर दर्जनों वेरिएबल्स हैं तो उसमें से तीन चार सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले वेरिएबल्स को सामने दिखा के बताया जाता है कि इन चार वेरिएबल्स की वजह से ये चीज़ निकल रही है। हालांकि और भी बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जिनमें से, जैसे जो पहले दिन हमने डिस्कशन की थी कि बहुत सारे हमें पता नहीं होते और जो पता होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो बड़े बड़े सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाले वेरिएबल्स को रिलेट करके आउटकम से जो हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम मॉडल कहते हैं। और वो अप्रोक्सीमेशंस होती हैं रियल सिस्टम की। ये एग्जैक्टली रियल सिस्टम नहीं होते जाहिर है, क्योंकि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स तो कम इम्पैक्ट वाले होते हैं जिनको निकाला होता है, तो अप्रोक्सीमेशंस होती हैं। मॉडल जो है वो ऑब्वियसली वो सबसे आसानी से समझ ऐसे होता है, जैसे हम कहते हैं मैंने जहाज़ का मॉडल बना लिया। तो अब वो जहाज़ ज़ाहिर है उस छोटे से मॉडल के अंदर लोग तो नहीं बैठ सकते, इसी तरह वो प्रॉब्ली उड़ भी नहीं सकता बहुत ऊंचा, लेकिन उससे हम ज़्यादातर लोगों को बात समझा देते हैं कि जहाज़ कैसा होगा, इसकी शक्ल कैसी होगी, इसके लिए हमें क्या क्या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स चाहिए होंगी। तो इसी तरह हम लोग फिर मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं सिस्टम्स के, ताकि हम एक आम बंदे को समझा सके कि ये फलाना काम जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में, फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज में, इसके पीछे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, और आप उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे तो आप आउटकम को कंट्रोल कर सकेंगे। अब एम्पिरिकल मॉडल्स वो होते हैं जहाँ पे आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व्ड डेटा के दरमियान रिलेशनशिप्स बना के दिखाते हैं, यानी एक्सेस और वाइज के दरमियान रिलेशनशिप बना के दिखाते हैं, उसको एम्पिरिकल मॉडल कहते हैं। और एक्सेस और वाइज का आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है। और ये करते क्यों हैं? ताकि हम फोरकास्ट कर सकें कि जो वैल्यूज आपको नहीं पता उनमें क्या आउटकम होगी, जो आउटकम्स आपको नहीं पता और उसकी इनपुट वैल्यूज पता है उनमें क्या आउटकम होगी। तो इन अदर वर्ड्स, वापस पुरानी डिस्कशन पे जाएं तो सैंपल से पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बात की थी, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, लेकिन इट वर्क्स। आप दिखा सकते हैं कि देखो जब भी मैं टेम्परेचर्स कम करता हूँ एक कमरे के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर से डस्ट कम करता हूँ तो लोग अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब कोई इसके पीछे कोई फिजिकल लॉ नहीं है, कुछ आपको अदालत में प्रूव करना पड़ जाए तो शायद आप ना कर सकें, लेकिन एक ये मॉडल आप ज़रूर किसी के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे यूट्रोफिकेशन एक चीज़ होती है जिसका मतलब होता है कि जब आप फिश का फॉर्म लगाने लगते हैं, मछलियों का फॉर्म लगाते हैं, तो जो पानी आ रहा होता है आपके फॉर्म के अंदर, उसमें आप देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो इस चीज़ को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जो उन लेक के अंदर या आपके फॉर्म के अंदर एल्गल बायोमास प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मली यूट्रोफिकेशन के जो मॉडल्स थे वो मास लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एवरेज एल्गल बायोमास के का रिलेशनशिप जो है दिखाते थे। अब एक ऐसा मॉडल दैट हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, उसको हम मैकेनिस्टिक मॉडल कहते हैं। इसको मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, फर्ज करें इस टाइड्स की, जो सेलेस्टियल बॉडीज की वजह से, सूरज और चांद की वजह से
उन दोनों की वजह से ज़मीन में जो उन और उन दोनों में जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से ज़मीन का पानी यानी समंदरों का पानी ऊपर या नीचे होता है उस अट्रैक्शन की वजह से, वो टाइड्स होती हैं। अब एक ऐसा बंदा जिसको ये साइंस नहीं पता, जिसको नहीं पता कि ये चांद और सूरज की ज़मीन को अट्रैक्ट करने की वजह से ये पानी ऊपर होता है और जब वो दूर हो जाते हैं तो ये पानी नीचे हो जाता है, यानी अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, वो भी अगर समंदर के किनारे खड़ा हो जाए और 2, 4, 6 साल मेजर करता रहे कि पानी कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि गर्मियों में इस दिन पानी 4 मीटर, 4.2 मीटर जाएगा, 4.3 मीटर जाएगा, सर्दियों में 2.1 मीटर्स पे आ जाएगा, 2.2 मीटर्स पे आ जाएगा, हालांकि उसको इसके पीछे साइंस नहीं पता। तो जिसको साइंस नहीं पता और वो डेटा कलेक्ट करके आपको बताता है, वो उसने बेसिकली एम्पिरिकल मॉडल बनाया होता है, और जिसको साइंस पता है वो आपको मैकेनिस्टिक मॉडल बता रहा होता है, और दोनों बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके आपको बिल्कुल एक ही टाइट की वैल्यू बता देंगे। लेकिन एक मैकेनिस्टिक मॉडल होगा जिसमें बेसिकली वो अर्थ और मून का और अर्थ और सन का डिस्टेंस आपस में देख के आपको बताया गया कि पानी कितना ऊपर नीचे जा रहा है, और दूसरा जो है वो आपको हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बताया गया कि मैं ऐसे से कर रहा हूँ, देखो 4 साल पहले जो इस वक्त इन कंडीशंस में हाइट थी अभी कल दोबारा वही होगी, क्योंकि ये एक मेरा एम्पेरिकल मॉडल है। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है एम्पेरिकल मॉडल में और मैकेनिस्टिक मॉडल में, कि एम्पेरिकल में एसेंशियली साइंस पे आपका अबूर नहीं होता, लेकिन डेटा कलेक्ट करके डेटा के ट्रेंड्स पे आपको इतना अबूर हो जाता है कि आप अगला डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और मैकेनिस्टिक में आपको साइंस का पता होता है, लेकिन दोनों में एरर फैक्टर हमेशा रहता है रैंडमनेस की वजह से। जी एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखी हुई है कि एक प्रपोजल है रिसर्च करने का, और इससे इससे वो आपको बताना क्या चाह रहा है कि शुड बी केयर इफ मॉडल्स आर एम्पेरिकल और मैकेनिस्टिक। एम्पेरिकल को फिनोमोलॉजिकल भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल भी, इस तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि वहाँ पे आपको साइंस नहीं पता, मैकेनिस्टिक नहीं है वो। तो या इसके अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है, उसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बेसिकली वो फिश के बारे में बता रहा है कि एक जो जो फिश का साइज़ बढ़ता जाता है उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जो खाना खाती हैं वो उनको बड़ा करने में इस्तेमाल नहीं होता, तो रिप्रोडक्शन की तरफ वो सारे के सारे खाने की एनर्जी चली जाती है। तो फिर वो बाद में बताता है कि ये हम जो मॉडल बना रहे हैं ये वही मॉडल है जो 3-4 लोगों ने पहले भी बनाया है, लेकिन वो जो पहले वाले मॉडल्स थे वो हाइपर एलोमेट्रिक रिप्रोडक्शन को कवर नहीं करते थे, उसके उसको प्रिडिक्ट नहीं करते थे, यानी हाइपो या हाइपर एलोमेट्रिक मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ते, जैसे फिश में लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, आंखें थोड़ा पर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाती हैं, आंखें खाली जस्ट 5-7% बड़ी होती हैं, इसी तरह फिन्स उतने बड़े नहीं होते, इसी तरह बॉडी के इंटरनल पार्ट्स। तो यहाँ पे उसके पास साइंस कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वो एम्पिरिकल डेटा के साथ प्रूव करेगा कि उसके पास एक मॉडल मौजूद है, जो कि थ्योरी को अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसका मॉडल प्रूव कर रहा है कि वो ठीक है, हालांकि उसके पीछे साइंस कोई भी नहीं है। एम्पिरिकल मॉडल इस्तेमाल वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स या साइंस मौजूद नहीं होती है, और हम डेटा के बेसिस पे मॉडल बना लेते हैं जो कि जिसको फिर एक्चुअल प्रैक्टिस फॉलो करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, अगर डेटा बहुत ज़्यादा वेरिड हो और एक ग्राफ पे आना उसका मुश्किल हो, या उसके सिम्प्टोट्स बहुत दूर जा रहे हो ओरिजिन से, तो वहाँ पे कभी आप उसको लॉग के साथ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कभी आप उसको अंडर रूट कर देते हैं, कभी 3, 4, 6 बार अंडर रूट कर देते हैं ताकि डेटा आपको नज़र आना शुरू हो और आप उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और कभी ऑपोजिट होता है कि डेटा बहुत क्लोजली निट होता है और आपको उसमें वेरिएंस नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर आप डेटा को किसी तरीके से फैलाते हैं ताकि आपको उसके अंदर की वेरिएंस नज़र आना शुरू हो जाए, और फिर जब आप देखते हैं कि वाई पे क्या इम्पेक्ट्स आ रहे हैं तो डेटा को आप वापस भी ला सकते हैं जब आपको बात समझ आ गई है। बेसिकली हम दो चीज़ें फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन लाइन, स्लोप का मतलब कि एंगल उसका बिल्कुल एक्स के साथ फ्लैट हुआ हुआ है या वाई के साथ वर्टिकल हुआ है या बीच में कोई एंगल है, और दूसरा इंटरसेप्ट कि वो वाई एक्सिस को किस जगह पे टच कर रहा है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट या आखिरी जो लाइन लिखी हुई है ज़रूरी समझने के, कि
अगर आप अननेसेसरीली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा डेटा, या हो सकता है कि डेटा डिस्टॉर्टेड मिला हो और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़े टू मेक सेंस. अब मुख्तलिफ कह लें कि क्राइटेरियन हैं जिस पे आप मॉडल को फिट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म डेटा को कह लें अनट्रांसफॉर्म करके फिट करते हैं. जिसमें फॉर एग्जांपल ये पहले पहली एग्जांपल दी हुई शबिशेव अप्रोक्सीमेशन की, जिसमें आप मिनिमाइज करते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट डेविएशन को, यानी जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो आपस की एवरेज लाइन से कितना दूर हैं उसको कम करते हैं. इसको हम कहते हैं शबिशेव अप्रोक्सीमेशन, ये नॉर्मली यूज़ होती है इमरजेंसी सर्विसेज में. फिर एक और है मिनिमाइज सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, वहाँ पे तो ये था कि आप मैक्सिमम वाली को कम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके सम्स को कम कर रहे हैं, यानी उन सबको जमा किया जाए तो वो जमा वाली वैल्यू कम आए. ये पब्लिक सर्विसेज में लाइब्रेरी स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है. और फिर तीसरा लिखा हुआ है लीस्ट स्क्वेयर क्राइटेरियन. लीस्ट स्क्वेयर का मतलब कि उन सबको स्क्वेयर किया जाए तो वो वैल्यू कम हो, यानी वाई की सारी एक्स की या वाई की सारी वैल्यूज को स्क्वेयर किया जाए तो वो वाली वैल्यू कम हो. इसको हम कर्व फिटिंग में यूज़ करते हैं. तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारी फिटिंग्स होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कि क्या सिचुएशन है. और आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं तो आप सारी की सारी लगा के देख लें सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी आपको बेस्ट फिट दे रही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और एक्चुअली सॉफ्टवेयर आपको ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे वो एट्रिस्क वगैरह जो आपको खुद ही करके बता देते हैं कि फलाना मॉडल बेस्ट फिट हो रहा है, ये वाला इस्तेमाल करें. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मूविंग टुवर्ड्स रिग्रेशन, आपके पास दो लिस्टें हैं एक्स और वाई की, इनको आप एक एक वैल्यू को यानी ज़ीरो को 5.3 के साथ एंड सो ऑन प्लॉट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बना के, और आपके पास ही इस तरह का एक ग्राफ आ जाता है. इसको आप लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और आपके पास इक्वेशन आ जाती है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, ज़रूरी है कि जो रिग्रेशन होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन, इसमें प्रिडिक्शन आपने विद इन डेटा पॉइंट्स करनी होती है. यानी जो आपको सामने लाइन नज़र आ रही है तो ये है x के 0 से 8 तक और y के -1 से लेके कोई 15-16 तक. तो आपने इसके बाहर प्रिडिक्ट नहीं करना, यानी x के 10 और y के 18-19 पे प्रिडिक्ट नहीं करना, इसकी रेंज से बाहर प्रिडिक्ट नहीं करना, बल्कि इसके अंदर अंदर अगर कोई वैल्यू अननोन है तो उसके लिए प्रिडिक्ट करना है, अगर आप रिग्रेशन को प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. वरना तो मॉडलिंग के लिए भी आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे प्रिडिक्शन होती नहीं है. तो एक्सट्रापोलेशन नहीं करनी है, इंटरपोलेशन करनी है इस तरह के रिग्रेशन से. तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर गौर से देखिएगा ज़रा कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आपके पास 4 तस्वीर में डेटा पॉइंट्स हैं. अब इन चारों की अगर आप एवरेज लें तो वाई एक्सिस पे देखें तो कोई लाइन बनेगी जो प्रोबेबली 0.34 इसके करीब करीब कहीं होगी, वाई की एवरेज लाइन. तो आप फिर क्या करते हैं कि आप इंटरेस्टेड दो चीज़ों में होते हैं, एक स्लोप में और जैसे मैंने आपको कहा एक इंटरसेप्ट पे, ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला है आप कैसे उन तक पहुंच सकते हैं. लेकिन जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, ये आपके आपके साथ जो आपके आपके सामने जो राइट साइड पे टेब एक ग्राफ सा बना हुआ है, इसमें इसमें 5 डॉट्स लगे हुए हैं, यानी 5 डेटा पॉइंट्स हैं. इन 5ों की एवरेज ली जाए तो ये y बार की लाइन बनती है, जो नीचे वाली y की लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली y की लगी हुई है. और अगर आप ये जो आपकी रिग्रेशन लाइन लगी हुई है जिसको आपने कैलकुलेट किया और रिग्रेशन इक्वेशन बनाई ये ऑरेंज से कलर की, इसको अगर हम देखें उस डॉट के साथ जो कि सबसे ऊपर राइट साइड पे है, तो वहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉप करें तो जिस जगह पे ये हमारी रिग्रेशन लाइन को इंटरसेप्ट करेगी वो y1 कह लें उस पॉइंट को, तो उस डॉट को और y1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम SSE कहते हैं, या एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स.
जो क्या होता है बेसिकली वेरिएशन बता रहा होता है रिग्रेशन लाइन से एक पर्टिकुलर पॉइंट की कितनी वेरिएशन है, यानी ये रिग्रेशन लाइन से वो डॉट इतना दूर है, सिंपल। दूसरा अगर आप देखें SSR, वो आपकी एवरेज लाइन से, यानी जो हमने y बार की एवरेज लाइन लगाई, उससे उस इंटरसेप्ट के पॉइंट को जहाँ पे आपका उस डेटा पॉइंट और रिग्रेशन लाइन का इंटरसेप्ट था, जो डिस्टेंस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम कहते हैं टोटल करेक्टेड सम ऑफ स्क्वेयर्स, टोटल करेक्टेड सम ऑफ स्क्वेयर्स, और इन दोनों को जमा करें तो जो तीसरी चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं SST, SST रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वेयर्स, तो सॉरी SSR इज टोटल रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वेयर्स और SST इज टोटल करेक्टेड सम ऑफ स्क्वेयर्स। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये हमारे लिए बड़ी यूजफुल होती हैं, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि हमारी रिग्रेशन की लाइन कितना करेक्टली प्रिडिक्ट करती है y को इन टर्म्स ऑफ x। तो ये इस चीज़ को एग्जैक्टली समझने के लिए, और वो जो हम फिगर यूज़ करते हैं उसको हम आर स्क्वेयर कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जब भी आप रिग्रेशन की इक्वेशन बनाते हैं तो उसके साथ एक आर स्क्वेयर की वैल्यू आती है, जो बेसिकली बता रही होती है कि ये आपकी रिग्रेशन कितनी एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल अगर इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर आर स्क्वेयर जो निकलता कैसे है, 1 - SSE/SST, इसको फिट ऑफ रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। तो द नंबर आर स्क्वेयर यानी फिट ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्सप्रेसेस द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन वाई वेरिएबल ऑफ द एक्चुअल डेटा दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द स्ट्रेट लाइन मॉडल हुज वैल्यूज आर गिवन बाय सो एंड सो एंड कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। इन अदर टर्म्स ये आपको ये बता रहा होता है कि वाई का कितना पार्ट एक्सिस ने एक्सप्लेन कर दिया है, यानी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रही हैं उनके कितनी परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर वो 80.81 है तो इसका मतलब है 81% आपको आपके रिग्रेशन ने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है। अब बाकी 19% जो है वो या रैंडमनेस को एट्रीब्यूट होगा या अननोन, जो अभी तक आपने वेरिएबल्स नहीं कैटर फॉर किए उनको एट्रीब्यूट होगा। तो एक तरफ आर स्क्वायर होता है और वो जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम कहते हैं रेजिजुअल प्लॉट या रेजिजुअल डेटा, यानी रह गया जो डेटा रेजिड्यू। अब रेजिड्यू जो है जो मैंने आपको शुरू में बताया था उनको भी प्लॉट हम करते हैं, और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर रैंडम है इसका मतलब है वहाँ पे कोई आपका वेरिएबल रह नहीं गया, बस वो नेचुरल वेरिएशंस की वजह से रेजिजुअल्स हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई पैटर्न है वो रैंडम नहीं है, इसका मतलब है कोई वेरिएबल रह गया है। आपने जो फ़र्ज़ करें 4-5x लिए थे वो काफ़ी नहीं है, कोई और ढूंढें आप, तो छठा भी देखें। जब छठा देखेंगे प्रॉब्ली 81% जो है 85% हो जाएगा। दोबारा देखें रेजिडुअल्स को, उसमें पैटर्न नहीं है तो ठीक हो गया, अब सिर्फ रैंडमनेस रह गई है, आपकी रिग्रेशन बहुत अच्छी है और अब आपका सैम्पल जो है पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसके अंदर अभी भी पैटर्न हैं, इसका मतलब है कि रैंडमनेस के अलावा भी कोई चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में आपने छोड़ दी है। इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन सही प्रोडक्ट नहीं हो रही सैंपल के थ्रू अभी भी, तो दोबारा देखें कौन सा वेरिएबल रह गया है, उस वेरिएबल को कैटर फॉर करें। तो बेसिकली ये दो वैल्यूज़ आप हर वक्त देखते रहते हैं, एक आर स्क्वेयर के भी 3-4 वर्जन होते हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे, और दूसरी रेजिजुअल्स। और जब तक रेजिजुअल में सिर्फ रैंडमनेस नहीं रह जाती तब तक आप कि रिग्रेशन ठीक नहीं होती इक्वेशन, यानी कि तब तक आप सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन को सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं और अगले टॉपिक पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।